हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले छोटे से प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, जो कि मेरे पास रखा हुआ है। यह है वो प्रोडक्ट जिसकी हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे i12 ब्रांड की तरफ से आने वाले इस हेडफोन्स के बारे में, जिसमें हमें TWS की टेक्नोलॉजी मिल जाती है और 5.0 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिल जाता है। इसके पीछे, बॉक्स के पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कलर वेरियंट यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ इसके डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है। साइड में आप देख सकते हैं ऑटो पावर ऑन, ऑटो पेयरिंग, टच यूजिंग सीरी और कनेक्ट ऑटोमेटिकली का आपको फंक्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हटाते हैं इसके ऊपर की लीड को और देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट। ऊपर की लीड को हटाते हैं, आपके सामने सबसे पहले रखा होगा अपना मेन प्रोडक्ट जो कि है ये। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल देखते हैं बॉक्स में और क्या कंटेंट है। तो इसका कवर है, इसके साथ आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल जो कि लाइटनिंग केबल और यूएसबी टाइप ए की केबल है, जो इस पॉड को चार्ज करने को काम आती है। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। यह एक i12 के यूजर मैनुअल, हेडफोन को कैसा यूज करना है इसके बारे में इसको दिया गया है। और ये कुछ वाउचर हैं। बस फिलहाल बॉक्स में कुछ नहीं है, इतना ही है। अब बात करते हैं मेन यूनिट के बारे में। तो दिखने में काफी हद तक एप्पल के एयरपॉड के केस के समान दिख रहा है। खाली यहाँ पर एक फिजिकल बटन है जिसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे ब्लू लाइट जल जाती है। इसका मतलब ये चार्जिंग मोड में है। अंदर लिप को हटाते आपको अंदर दिख जाएंगे एयरपॉड्स, नन्हे से छोटे से। दोनों एयरपॉड्स दिखने में तो एप्पल के एयरपॉड्स की तरह लग रहे हैं। यहाँ पे इसका टच सेंसर है, नीचे इसके माइक है और ये दो कनेक्टर्स है जो सिल्वर कलर में चमक रहे हैं, चार्जिंग के लिए काम आते हैं। और यहाँ पे नीचे लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है जो केस को चार्ज करने में काम आता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। फिटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, आपके कानों में कंफर्टेबली फिट हो जाएंगे। लाइट वेट है, कोई तकलीफ नहीं है इसको पहनने में। तो दोस्तों, बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। एयरपॉड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके बैटरी लगभग दो घंटे के आसपास चल जाती है। केस के बारे में बात करेगी तो केस इन एयरपॉड्स को दो बार चार्ज कर देता है। इसके मतलब यह है कि आप इसको लगातार 4 घंटे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको उन केस के साथ इसको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ का 5.0 सपोर्ट मिलता है आपको। और रेंज की बात करें तो आपको ओपन ग्राउंड में 15 मीटर के आसपास इसकी रेंज मिल जाएगी। और ऑब्स्टिकल, अगर आपके कनेक्टिविटी के बीच में ऑब्स्टिकल है तो आपको इसकी इसमें 10 मीटर की रेंज मिल जाएगी। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, इसका मैग्नेट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी एयरपॉड्स में भी मैग्नेट है और इस केस में भी मैग्नेट है, जो कि एयरपॉड्स में जो मैग्नेट है जो इसको केस से बाहर निकलने से बचाते हैं, और ये लिप केस का मैग्नेट है, इसका लिप ऑटोमेटिक ओपन होने से बचाते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको हिला रहा हूँ फिर भी केस ओपन नहीं हो रहा है। देखिए, मैं इस तरह से पकड़ के आपको बता दूँ, ये देखिए गिर नहीं रहे। और मान ले अगर इसके लिप को खोल के ऊपर उल्टा कर दें तो फिर भी एयरपॉड्स नहीं गिर रहे। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं इसके लिप को ऐसे पकड़ लिया हूँ, देखो एयरपॉड्स इसमें से नहीं गिर रहे। मैग्नेट काफ़ी पावरफुल है। बाइक बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइस काफ़ी चीप में मिला है मुझे। ये 250 रुपये में मिला था मीशो से इसको मैंने। दोस्तों, बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो साउंड क्वालिटी बेटर है, ज़्यादा डीप बेस आपको इसमें नहीं मिलेगा। आप इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। कॉल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कॉल कनेक्टिविटी काफ़ी सही है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें नॉइसी एरिया में भी मिल जाती है। लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर चीप प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा या फिर कुछ ख़राब क्वालिटी का आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बिंदास ऐसे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं जो कि काफ़ी चीप आते हैं और काफ़ी स्टाइलिश भी हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। काफ़ी चीप प्रोडक्ट है, आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके ऐसे प्रोडक्ट परचेस करने में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी